मच अवेटेड T20 वर्ल्ड कप की जो टीम थी, जो स्क्वाड था, उसका ऐलान हो चुका है और इसमें नजर आ रहे हैं ऋषभ पंत। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पंत के फैंस जो हैं उनके लिए आज की ये सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत के जो भी फैंस हैं आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि सीधा इतनी बड़ी इंजरी से उठने के बाद अब वर्ल्ड कप में नजर आएंगे ऋषभ पंत। मैं आपको टीम के बारे में बता देती हूँ, रोहित शर्मा कैप्टनसी करने वाले हैं और यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इसके बाद विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में नजर आएंगे और उनके बाद सूर्य कुमार यादव भी हमें दिखाई देंगे। बिल्कुल, और ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे और संजू सैमसन भी एज अ विकेट कीपर नजर आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि इन दोनों में ही कॉम्पिटिशन चल रहा था हाल ही में कि किसका सिलेक्शन होगा, लेकिन खुशखबरी यह है कि दोनों का सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल, केएल राहुल का इस टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनकी जगह नहीं बनी है और ऑलराउंडर्स के तौर पर अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या भी नजर आ रहे हैं, इनको वाइस कैप्टन बनाया गया है और शिवम दुबे भी नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद BCCI ने फिर से एक दांव खेला है उनके साथ, फिर से भरोसा दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि करियर जो है ग्राफ उनका एकदम नीचे जा रहा था पूरे IPL के दौरान, और अब जो है वाइस कैप्टन बने हैं तो एक चांस और है उनके पास कि वो उभर सके। रोहित शर्मा की यहाँ पे हमने बात करी कि वो एज अ कैप्टन यहाँ पे नजर आने वाले हैं, कितने सक्सेसफुल रह चुके हैं T20 इंटरनेशनल्स में, IPL में भी अच्छा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात हो जाती है कि कैप्टनसी तो मिलेगी। बिल्कुल, अब आगे अगर हम बड़े स्पिनर्स को देखें तो चूंकि ये जो वर्ल्ड कप है ये USA और वेस्ट इंडीज में होगा, वेस्ट इंडीज में सबको बताया कि पिचेस स्लो रहने वाली हैं, तो रविंद्र जडेजा नजर आएंगे, अक्षर पटेल नजर आएंगे, कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल की अगर हम बात करें तो उनको लेकर हम देखते थे कि जब भी वर्ल्ड कप आता था उनका नाम शामिल नहीं रहता था, तो उर्विका अब यजुवेंद्र चहल भी हमें नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, और उनके करियर के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार BCCI ने कई सारे जो प्लेयर्स उनको रिवाइव करने की कोशिश करी है कि चांस दिया जा रहा है, आप अपने करियर को फिर से लाइन पे ला सकते हैं। शिवम दुबे भी इस लिस्ट में शामिल है, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जो हैं यहाँ पे बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। और जहाँ तक रिजर्व की बात है तो इसमें आप देख रहे हैं कि शुभमन गिल नजर आ रहे हैं, रिंकू सिंह हैं, खलील अहमद हैं और आवेश खान हैं। ये खिलाड़ी वेस्ट इंडीज और USA वर्ल्ड कप टीम के साथ रहेंगे, लेकिन अगर कोई इंजर्ड होता है तब खेलते हुए नजर आएंगे, अगर कोई इंजर्ड नहीं होता है तो ये खिलाड़ी टीम के साथ रहेंगे और वापस इंडिया आ जाएंगे जैसे इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ पे रिंकू सिंह के करियर ने भी उड़ान भर ली है, रिजर्व में वो नजर आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि मेरे हिसाब से उनको प्लेइंग 11 में जगह मिल जानी चाहिए, अब आगे देखने को यही हो जाएगा कि वो रिजर्व में ही रहते हैं या 11 में खेलते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप ए में कौन सी टीम्स शामिल हैं। बिल्कुल, ए में जो है वो इंडिया पाकिस्तान नजर आएंगे और ग्रुप बी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया नजर आएंगे। बिल्कुल, ग्रुप ए में आयरलैंड, कनाडा और USA भी शामिल है, और बी की बात हमने करी तो यहाँ पे नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान टीम्स भी शामिल है। और ग्रुप सी में अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान तीन जो है वो तगड़ी टीमें हमें नजर आएंगी। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और नेपाल शामिल हैं। और आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जो है वो अपना T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया और इंडिया भी इसमें शामिल है। अब अगर हम टीम को देखें तो टीम बहुत ज्यादा उर्विका बैलेंस नजर आ रही है। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने टेस्ट सीरीज में बहुत डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करी थी, सिक्सेस यहाँ पर लगाए थे, तो उनका सिलेक्शन तो जस्टिफाइड यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, और RR में भी खेलते हुए हालांकि अभी तक कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे, लेकिन जैसे ही सेंचुरी जड़ी तो उनका करियर ने भी एकदम पलटी खा ली है। और यहाँ पे देख लीजिए, आप T20 में भी सिलेक्शन हो गया है और आपने अभी बोला कि T20 बना दिया था वर्ल्ड कप, माफ कीजिएगा, टेस्ट मैच को, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती है कि आराम से सेंचुरीज जड़ सकते हैं वो। बिल्कुल, विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 1 पर हैं और कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है तो 2023 का वर्ल्ड कप आप देख लीजिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो यहाँ पर रहते हैं। अब सूर्य कुमार यादव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सूर्य कुमार यादव, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे प्लेयर हैं कि आप इनको जब चाहिए तब फील्ड पे बुला लीजिए, चाहे आप ये शुरुआत में खेलें या फिर बाद में लास्ट में फिनिशिंग करते हुए नजर आए, बहुत ही अच्छे बैट्समैन ये निकल के आते हैं। और संजू सैमसन पर अगर हम चर्चा करें तो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को पहले नंबर पर बरकरार रखा है कप्तानी में उनकी, फिलहाल तो जादू मैजिक नजर आ रहा है। ऋषभ पंत की जहाँ तक बात है, टीम अच्छा नहीं कर रही है लेकिन ऋषभ पंत बहुत बेहतरीन जो है वो बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बुमराह को अगर हम देखें या फिर जो फास्ट बॉलिंग का स्क्वाड है, जो तीन खिलाड़ी नजर आ रहे हैं उसको लेकर उर्विका क्या रिएक्शन एक छोटा सा? सबसे बड़ी बात है कि जसप्रीत बुमराह पर्पल कैप में अभी फिलहाल टॉप कर रहे हैं, यहाँ पे अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये फील्ड में आते हैं और मुझे ऐसा लगता है जो भी सामने बैटिंग कर रहा होगा वो डर जाता होगा कि भाई ये आया है, ये विकेट लेके ही जाएगा, उससे पहले तो ये जाने नहीं वाला, तो ये ऐसे जान पूछ के मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नाम से डर जाए ऐसे प्लेयर्स रखे हैं टीम में। और अगर हम स्पिनर्स की हम बात करें, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर हैं, अक्षर पटेल भी और ऑलराउंडर हैं, कुलदीप यादव अपनी बैटिंग पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और चहल जो है वो राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं, लेकिन अच्छी जो है वो यहाँ पर बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं जिसका रिवॉर्ड उन्हें मिला है,
तो क्या लगता है आपको कि ये टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2007 के बाद वापस घर ला पाएगी या फिर नहीं? और पंत को लेकर अगर आपका कुछ कहना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।